क्या डिशवॉशर इंडियन किचन के लिए यूजफुल है? ये क्या होता है, कैसे काम करता है, किस टाइप के और कितने बर्तन इसमें एक बार में धोए जा सकते हैं, इसकी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ साथ और भी जरूरी बातों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्ते, handfulmindful.com में आपका स्वागत है। डिशवॉशर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो ऑटोमेटिकली बर्तन धोने के काम आता है। इसमें आपको बर्तन अरेंज करके डिशवॉशर डिटर्जेंट और रिंस एड ऐड करना होगा, जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद बस वॉश साइकिल सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन दबाना होता है। साइकिल कंप्लीट होने पे आपको धुले और सूखे हुए बर्तन मिलते हैं। ये काम कैसे करता है, इसके लिए पहले समझते हैं कि डिशवॉशर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसमें बर्तन अरेंज करने के लिए आमतौर पे दो रैक्स होते हैं, टॉप रैक और बॉटम रैक। दो लोकेशन पे फैंस होते हैं जिसमें ये छोटे छोटे होल्स से पानी प्रेशर से आता है, जिससे ये रोटेट करते हैं और बर्तन धोने के लिए पानी को सर्कुलेट करते रहते हैं। इसके अलावा इसमें डिटर्जेंट डालने के लिए कंपार्टमेंट होता है और इस जगह रिंस एड डालना होता है। बॉटम रैक के नीचे डिशवॉशर सॉल्ट कंपार्टमेंट के साथ साथ ये फिल्टर होता है जो फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेता है। इसको निकाल के वॉश किया जा सकता है। बर्तन अरेंज करने के बाद बस आपको वॉश साइकिल सेलेक्ट करके स्टार्ट प्रेस करना होता है। स्टार्ट प्रेस करने के बाद इसमें पानी फिल होगा, जिसकी क्वांटिटी और टेम्परेचर वॉश साइकिल के हिसाब से ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। फैंस से फोर्स के साथ डिटर्जेंट वाला पानी बर्तनों पे पड़ने की वजह से वो क्लीन हो जाते हैं। मशीन ऑटोमेटिकली एक से दो बार फ्रेश पानी लेती है बर्तनों को रीवॉश करने के लिए। इसमें बर्तन अरेंज कैसे करना है? बड़े और ज्यादा गंदे बर्तन जैसे कि कुकर, कढ़ाई, दूध और चाय के बर्तन नीचे वाली रैक में और छोटे बर्तन जैसे कि कटोरी, चम्मच, बाउल्स, टिफिन्स ऊपर वाली रैक में उल्टे करके लगाने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर जेट नीचे से ऊपर की तरफ फैंस के थ्रू प्रेशर से आता है, जिसकी वजह से ही बर्तन साफ होते हैं। और दूसरा, अगर आप सीधे करके बर्तन रखेंगे तो इनमें गंदा पानी भरा रह जाएगा। इसमें एक बार में कितने बर्तन आ सकते हैं वो डिपेंड करता है आपने डिशवॉशर किस कैपेसिटी का लिया है, जिसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए अगर आप 12 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक बार में नीचे वाली रैक में दो मीडियम साइज या 2.5 लीटर के कुकर, एक कढ़ाई, एक दूध का, एक चाय का बर्तन और साथ में 6 से 8 बड़ी डिनर प्लेट्स आ जाएंगी। जबकि टॉप रैक में 8 से 10 बाउल्स, चम्मच, करछी, चमचा, चाकू, टिफिन, कप और भी काफी छोटे बर्तन आ जाते हैं। कितने बर्तन एक बार में लोड हो सकते हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से बर्तनों को अरेंज कर रहे हैं। इसमें किस साइज के बर्तनों को धोया जा सकता है वो डिपेंड करता है इसके बॉटम और टॉप रैक के बीच के गैप पे। 12 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर में आप 1 फुट ऊंचे बर्तन भी आराम से धो सकते हैं। जितना बड़ा बर्तन का साइज या डायमीटर होगा उतने ही कम बर्तन एक बार में धुलेंगे। बर्तन अरेंज करने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि फैंस फ्रीली रोटेट हो रहे हैं कि नहीं। क्या हर तरह के या सभी मेटल के बर्तन इसमें धो सकते हैं? इसमें स्टील, सेरामिक, ग्लास, डिशवॉशर सेफ प्लास्टिक आराम से धो सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम, हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर या कॉपर कोटेड वेसल्स को आप नहीं धो सकते। अगर ये सब आपने डिशवॉशर में धोए तो या तो उनका सरफेस डल हो जाएगा और जो कोटेड बर्तन हैं, उनकी कोटिंग फेड हो जाएगी या बिल्कुल ही उतर जाएगी। याद रखिए कि इसमें गलती से भी कैसरोल नहीं रखना है। इसमें थर्मोकोल होने की वजह से ये हाई टेम्परेचर में पूरी तरह से खराब हो जाएगा। डिशवॉशर को यूज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? नंबर 1, डिशवॉशर डिटर्जेंट। ये खास डिशवॉशर में यूज करने के लिए बना होता है। इसमें नॉर्मल डिश सोप यूज नहीं कर सकते। उसको यूज करने से न तो बर्तन साफ होंगे और बहुत ज्यादा झाग बन जाएंगे जो वॉश साइकिल खत्म होने पे भी नहीं जाएंगे। नंबर 2, रिंस एड। ये बर्तनों पे पानी को रुकने नहीं देता, जिससे उनपे सफेद दाग नहीं पड़ते और बर्तन एकदम चमकते हुए निकलते हैं। नंबर 3, डिशवॉशर सॉल्ट। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बिना अगर आप डिशवॉशर चलाएंगे तो सभी बर्तनों पे व्हाइट पैचेस पड़ जाएंगे, जो आपको हाथ से बर्तन धो के ही निकालने पड़ेंगे। नंबर 4, फिक्स्ड वाटर कनेक्शन। पानी के इनलेट के लिए जैसा कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के लिए रहता है,
इसकी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। इसकी रनिंग कॉस्ट 6 चीजों पे डिपेंड करती है। 1. इसकी एनर्जी रेटिंग, 2. पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, 3. आप कितनी बार डिशवॉशर रन कर रहे हैं, 4. वॉश साइकिल कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, 5. आपके एरिया में वाटर की हार्डनेस या TDS वैल्यू कितनी है। TDS वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही सॉल्ट कंसम्पशन बढ़ जाएगा। 6. डिटर्जेंट, रिंस एड और सॉल्ट की कॉस्ट। मैं 12 प्लेस सेटिंग 5 स्टार एनर्जी रेटिंग डिशवॉशर दिन में एक बार फुल लोड पे 1 घंटे की वॉश साइकिल पे चलाती हूँ, जिसमें पानी का टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मेरे यहाँ पानी की TDS वैल्यू 500 से 600 ppm के आसपास है। इस सब को कंसिडर करके एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंसम्पशन लगभग 30 से 40 यूनिट्स है और हर महीने लगभग 300 से 400 रुपए बिजली का बिल सिर्फ डिशवॉशर चलाने से आता है। और जिस ब्रांड का सॉल्ट, रिंस एड और डिटर्जेंट मैं यूज करती हूँ उसका हर महीने का इन तीनों चीजों का खर्चा लगभग 200 रुपए है। इस सब को मिला के मेरा बर्तन धोने का महीने का खर्चा लगभग 500 से 600 रुपए तक रहता है। और रही मेंटेनेंस की बात, तो इसमें हीटर के अलावा और किसी पार्ट में जनरली मेंटेनेंस नहीं आता है। अब तक मेरे डिशवॉशर में पिछले लगभग 3 सालों में हीटर एक ही बार चेंज हुआ है, जिसका एक बार का खर्चा मुझे 4500 रुपए पड़ा सर्विस चार्जेस मिला के। अब इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स समराइज करते हैं। पॉजिटिव्स, इसमें बर्तनों की ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो जाती है। इसको आप जब चाहें और जितनी बार चाहें यूज कर सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मेज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती। मशीन बहुत साइलेंटली ऑपरेट करती है, कई बार तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चल भी रही है या नहीं। गर्म पानी से बर्तन धुलने की वजह से बर्तन साफ होने के साथ साथ स्टेरिलाइज भी हो जाते हैं। छोटे बच्चों को छोड़ के इसे किसी भी एज ग्रुप और जेंडर के लोग इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। ऑयली बर्तन, चिमनी के रिमूवेबल पार्ट्स, फूड प्रोसेसर अटैचमेंट्स, सभी कुछ अच्छे से धुल जाता है। क्योंकि बर्तन सूख के निकलते हैं, इनको डायरेक्ट किचन कैबिनेट्स में स्टोर किया जा सकता है। इसमें पानी की काफी बचत होती है। इसमें 10 लीटर पानी से बर्तन धुल जाते हैं, जबकि उतने ही बर्तन हाथ से धोने से 50 से 60 लीटर तक पानी खर्च हो जाता है। अब इसके नेगेटिव्स देखते हैं। ये वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने जैसा नहीं है। इफेक्टिव क्लीनिंग के लिए आपको बर्तन अच्छे से अरेंज करने पड़ेंगे। शुरू शुरू में इसको अच्छे से यूज करने में आपको समय लग सकता है। कभी हो सकता है बर्तनों पे व्हाइट पैचेस आ जाएं, कभी अच्छे से न धुलें, लेकिन ये यूजुअली मशीन की प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको हर बार एकदम चमकते हुए धुले बर्तन मिलेंगे। डेडिकेटेड डिशवॉशर डिटर्जेंट, रिंस एड और सॉल्ट के बिना बर्तन अच्छे से नहीं धुलेंगे। ये आइटम्स हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होते और नॉर्मल बर्तन धोने के साबुन से काफी कॉस्टली होते हैं। दूध और चाय जैसे बर्तनों को आपको कम से कम 6 घंटे के लिए अपने किचन सिंक में प्री सोक करना पड़ेगा। चाय और दूध के बर्तन अच्छे से साफ नहीं होते अगर उनमें बार बार दूध या चाय बॉयल की है तो। इसकी मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट थोड़ी हाई है। एक बार का हीटर बदलने का खर्चा 4500 और दिन में एक बार डिशवॉशर रन करने का खर्चा लगभग 600 तक रहता है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स मैनेजेबल हैं, खासकर इस कोविड टाइम पे जब दूसरों से कांटेक्ट जितना कम हो उतना अच्छा है। एक और बात, बर्तन हाई टेम्परेचर पे धुलने की वजह से जब मुझे कोविड हुआ था तब बर्तनों को अलग से स्टेरिलाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे। अपने नेक्स्ट कुछ वीडियो में मैं आपको डिशवॉशर सेलेक्ट कैसे करना है, बर्तनों को डिशवॉशर में अच्छे से वॉश करने के मेरे कुछ टिप्स के साथ साथ अपने कोविड एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो अपडेट मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।